राहुल गांधी का आज रायपुर में अलग ही अंदाज नजर आया। रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ढोलक की थाप पर आदिवासी नृत्य करते नजर आए। गले में ढोलक लिए और सिर पर पारंपरिक मुकुट लगाकर राहुल लोकसभा में गाए जा रहे गीत पर मुस्कुराते हुए पैर थिरकाते नजर आए। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के रायपुर में पहली बार हो रहे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की थाप पर उन्होंने बस्तर के आदिवासी कलाकारों के साथ नृत्य भी किया। पहले आप भी देखिए राहुल गांधी द्वारा किया गया नृत्य। समारोह में केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए राहुल ने कहा कि भाई को भाई से लड़ाने में देश का फायदा नहीं है, सबको साथ लिए बिना देश की अर्थव्यवस्था नहीं चलाई जा सकती। राहुल ने कहा कि जब तक लोगों की आवाज लोकसभा विधानसभा में नहीं गूंजेगी तब तक व्यवस्था नहीं बदल पाएगी। राहुल ने कहा कि देश की हालत, किसानों की समस्या, आत्महत्या, अर्थव्यवस्था की हालत और बेरोजगारी के बारे में सब जानते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार जनता के साथ मिलकर काम कर रही है। यह सरकार लोगों की आवाज सुनती है, विधानसभा में सबकी आवाज सुनाई देती है। सरकार चलाने में आपके विचारों को शामिल किया जा रहा है। तेंदुपत्ता, सुपोषण, जमीन वापसी को लेकर सरकार काम कर रही है। पहले यहाँ जो हिंसा हुआ करती थी उसमें कमी आई है। उन्होंने कहा, मैं एक बात करना चाहता हूँ, बिना हर धर्म, जाति, आदिवासी, दलितों को लिए बिना हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नहीं चलाई जा सकती। जब तक इस देश को जोड़ेंगे नहीं यह देश आगे नहीं बढ़ेगा। मैं हर भाषण में कहता हूं कि अर्थव्यवस्था को आदिवासी किसान चलाते हैं। अगर आप पूरा पैसा कुछ लोगों को दे दोगे तो नोटबंदी करोगे, गलत GST लागू करोगे तो अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया गौंड सिंह पहनाकर राहुल गांधी का स्वागत किया। उन्होंने राहुल गांधी को गोबर से तैयार नेम प्लेट भी गिफ्ट की। राहुल ने बस्तर के आदिवासी कलाकारों के साथ नृत्य भी किया। रायपुर के साइंस कॉलेज में मैदान में शुरू हुए 3 दिवसीय नृत्य महोत्सव आदिवासी कला व संस्कृति के रंग में सजा हुआ है। छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अब अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का रूप ले लिया है। 3 दिवसीय इस नृत्य महोत्सव में देश के 25 राज्य और केंद्र शासित राज्यों के साथ ही 6 देशों के करीब 1350 से अधिक कलाकार अपनी जनजातीय कला संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे। इसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, युगालैंड, बेलारूस और मालदीव के कलाकार भी शामिल हो रहे हैं। आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कुछ दिन पहले बघेल जी ने मुझे कहा कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का महोत्सव, डांस और म्यूजिक का फेस्टिवल किया जा रहा है और उन्होंने मुझसे पूछा अगर मैं आऊंगा। सवाल पूछने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर आदिवासियों की बात होती है तो मैं 2 मिनट में शामिल हो जाता। आ जा, आज हम आपकी, आपके नाच गाने को देखेंगे, सुनेंगे और आपकी जो हिस्ट्री है, आपका जो इतिहास है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा समझने को मिलेगा। मगर मैं ये नहीं चाहता हूं कि सिर्फ आज हम आपकी आवाज सुने, आपके नाच को देखें। मैं चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की सरकार में, छत्तीसगढ़ को चलाने में आपकी आवाज सुनाई दे और आपके जो विचार हैं वो शामिल किए जाएं। दूर दूर से आदिवासी भाई बहन आए हैं,
युगांडा से, हिंदुस्तान के अलग 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 प्रदेशों से, बाकी देशों से आए हैं और ये बहुत अच्छा कदम है, पहला कदम है मगर बहुत अच्छा कदम है और इसे हमें और तेजी से और मजबूती से आगे ले जाना है। आदिवासियों के सामने देश में बहुत समस्याएं हैं। खुशी से मैं कहता हूं कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की आवाज सरकार में सुनाई दे रही है। तेंदू पत्ते की बात हो, आपको जमीन वापस देने की बात हो, मैल न्यूट्रिशन पर एक्शन लेने की बात हो, छत्तीसगढ़ की सरकार आपके साथ मिलकर काम कर रही है। और चीफ मिनिस्टर ने कहा जो पहले यहां हिंसा हुआ करती थी उसमें कमी आई। कमी क्यों आई? क्योंकि यह सरकार लोगों की आवाज सुनती है और विधानसभा में सबकी आवाज, एक व्यक्ति की आवाज नहीं, सबकी आवाज सुनाई देती है। देश की हालत आप जानते हैं, बाकी प्रदेशों में क्या हो रहा है आप सबको मालूम है, किसानों की समस्या, आत्महत्या, अर्थव्यवस्था की हालत, बेरोजगारी, ये आप जानते हो, दोहराने की जरूरत नहीं। मगर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, बिना सबको लिए हर धर्म को, हर जात को, आदिवासी, दलित, पिछड़ों को लेकर लिए बिना हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नहीं चलाई जा सकती है। सीधी बात, आप जो करना चाहते हो करो, मगर जब तक आप इस देश को जोड़ोगे नहीं, जब तक इस देश के सब लोगों की आवाज विधानसभाओं में, लोकसभा में नहीं सुनाई देगी, तब तक ना बेरोजगारी के बारे में कुछ किया जा सकता है, ना अर्थव्यवस्था के बारे में किया जा सकता है। कितना भी दबाव लगा, हमारा कहना है और हर भाषण में कहता हूं, अर्थव्यवस्था को किसान, मजदूर, गरीब व्यक्ति चलाते हैं, आदिवासी चलाते हैं। अगर आप पूरा का पूरा पैसा 10-15 लोगों के हवाले कर दो, नोटबंदी करो, गलत जीएसटी लागू करोगे, तो हिंदुस्तान में रोजगार पैदा हो ही नहीं सकता, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चल ही नहीं सकती। और मुझे काफी खुशी है कि छत्तीसगढ़ में, चाहे वो आदिवासियों की बात हो, किसानों की बात हो, युवाओं की बात हो, माता बहनों की बात हो, सबको हम एक साथ लेकर मिलकर इस प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं। और फर्क दिखता है, हिंसा कम हुई, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था बाकी प्रदेशों से आगे बढ़ती जा रही, तो पता लगता है, तब पता लगता है, 2 मिनट में पता लग जाता है। अब कांग्रेस से कुछ नहीं बनाया जा सकता, भाई को भाई से लड़ाकर देश का फायदा नहीं हो सकता है, कभी नहीं होगा। और ये जो महोत्सव है ये उसी सोच पर बनाया गया है, अलग 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 आदिवासी सब लोगों को यहां जगह मिलेगी, सब लोगों को नाचने का मौका मिलेगा, गाने का मौका मिलेगा, अपनी जो हिस्ट्री है, अपना जो कल्चर है उसको दिखाने का मौका मिलेगा। और अनेकता में से इसी फेस्टिवल में आपको एकता दिखाई दे, आपको दिखेगा
क्या बनती है, अलग अलग लोगों को, आदिवासियों को, उनके कल्चर को देखकर समझकर उनकी आवाज को सुनकर ही एकता बनती है। और यही हमारा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ में सब लोग मिलकर एक साथ आगे बढ़े। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यहां बुलाया और इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching, and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।